सो गाइस, अगर आप लोग भी RDX के जैसा फेस स्मूथ एंड फोटो एडिटिंग का मास्टर बनना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर RDX के भाई के जैसा फोटो एडिटिंग एंड फेस स्मूथ करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कर लेते हो तो आप लोगों को RDX के जैसा फेस स्मूथ एंड फोटो एडिटिंग का प्रो मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको एक नॉर्मल फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। और गाइस, फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा टूल्स वाला, तो टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करना है और टून इमेज पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर जो है आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस को डिक्रीज करके प्लस 41 कर देना है और कॉन्टेक्स को डिक्रीज करके प्लस 40 कर देना है और सैचुरेशन को डिक्रीज करके प्लस 100 कर देना है और फिर ऊपर स्क्रॉल करना है और इसको भी डिक्रीज करके माइनस 31 कर देना है और फिर आपको हाईलाइट को भी डिक्रीज करके माइनस 20 कर देना है और शैडो को डिक्रीज करके प्लस 32 कर देना है। गाइस, इतना करने के बाद आपको यहाँ से डन के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ से डन कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर आपका फोटो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लुक्स का, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइस, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे की साइड में आपको बहुत सारे फिल्टर देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको इन्हें कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक फिल्टर मिलेगा एक टेक्चर का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका पूरा फेस एंड पूरा फोटो ब्लैक हो जाएगा। तो गाइस, इतना करने के बाद यहाँ से आपको डन कर देना है और फिर आपको ऊपर की साइड में एक ऑप्शन मिलेगा सर्कल वाला, सॉरी एरो के निशान का, तो इस पर आपको क्लिक करना है और व्यू एडिट पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक करना है और इस ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आपका बैकग्राउंड है उस पर कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है, बहुत ही स्लो मोशन में अप्लाई करना है, बहुत ही आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका बैकग्राउंड ब्लैक होगा, ठीक है। तो बहुत ही आराम आराम से, बहुत ही स्लो मोशन में आपको अप्लाई करना है। तो गाइस, यहाँ पर बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आराम आराम से करना है, ठीक है ना। तो गाइस, यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ ताकि इस वीडियो को देखते देखते आप बोर ना हो। तो गाइस, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेना है और फिर यहाँ से आपको राइट कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका फोटो यहाँ पर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस, इतना आपको कर लेना है और यहाँ पर फिर आपको दोबारा आपको टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिटेल्स वाला, तो डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो है एक टेक्चर को माइनस डिक्रीज करके 35 कर देना है, फिर ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर सर्फनिंग को डिक्रीज करके प्लस 50 कर देना है, ठीक है, 50। इतना करने के बाद आपको यहाँ से राइट कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर जो है आप लोग देख लीजिए आपका फेस एंड आपका बैकग्राउंड कितना खतरनाक बन गया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस, इतना आपको कर लेना है और फिर आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे शेयर कर लेना है लाइटरूम वाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस, फोटो को शेयर करने के बाद फिर आपको ऊपर से स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो है आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा लाइटरूम का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और गाइस, जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सीधा आपको लाइटरूम में लेकर आ जाएगा। तो आपको अलाउ फोटो पर क्लिक करना है और जो आपने फोटो शेयर किया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पर हमने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। तो गाइस, अब आपको नीचे की साइड आ जाना है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे एडिटिंग के, तो यहाँ पर आपको एक लाइट वाला ऑप्शन मिलेगा, तो सबसे पहले आपको लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और गाइस, यहाँ पर सबसे पहली वाली लाइन को डिक्रीज करके 0.40 कर देना है, कॉन्टेक्स्ट को डिक्रीज करके प्लस 21 कर देना है और हाईलाइट को डिक्रीज करके माइनस 23 कर देना है और शैडो को डिक्रीज करके माइनस 28 कर देना है और वास को डिक्रीज करके प्लस 37 कर देना है और ब्लैक्स को डिक्रीज करके माइनस 23 कर देना है। और गाइस, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कलर वाला, तो कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और मिक्स टूल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सैचुरेशन को डिक्रीज करके माइनस 16 कर देना है और ल्यूमिनेस को डिक्रीज करके प्लस 18 कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है।
तो गाइस आपका जो फोटो होगा यहाँ पर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस इतना करने के बाद आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे शेयर कर लेना है स्केच बुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस हमारा जो फोटो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है टूल्स वाला और एक है कलर वाला और एक है लेयर वाला। तो गाइस सबसे पहला आपको करना क्या है, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रश देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस सबसे पहला आपको इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है यहाँ पर। और गाइस फिर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर जो है सेटिंग्स को आपको इतना ही रखना है जितना यहाँ पर मैंने रखा है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ से कट करना है और फिर आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपको वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से कट करना है और फिर आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपको एक लेयर बना लेना है। और गाइस फिर आपको लेयर पर क्लिक करना है यहाँ पर और फिर आपको यहाँ पर जो नॉर्मल है तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सॉफ्ट लाइट कर देना है। तो गाइस इतना करने के बाद जो है अपने फेस को जूम करना है अपने फ़ोटो को कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो बहुत ही आराम आराम से करना है, बहुत ही स्लो मोशन में, ठीक है। और गाइस जैसे आप फेस को अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका फेस वाइट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपको ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करके आपको इस साइज़ को थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो आपको बहुत ही आराम आराम से बहुत ही स्लो मोशन में अप्लाई करना है, ठीक है, अपने फेस पर। तो यहाँ पर जो है मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, तो आप लोग बहुत ही आराम आराम से करना, बहुत ही प्यार से, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे। और गाइस जैसे आप अपने फेस पे अप्लाई कर लोगे तो यहाँ पर आपका फेस कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना खतरनाक लग रहा है। तो गाइस इतना आपको कर लेना है और फिर आपको टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है इस साइज को थोड़ा सा हल्का सा डिक्रीज करके 5.7 रख लेना है, ठीक है, 5.7। और गाइस जो नीचे वाली लाइन है उसको फुल हैंडेड कर देना है और फिर यहाँ से आपको कट करना है। फिर आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपको रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको कट करना है और लेयर पर क्लिक करना है और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एक लेयर बना लेना है और फिर आपको इस लेयर पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको नॉर्मल पर क्लिक करके सॉफ्ट लाइट कर लेना है। इतना करने के बाद जो है अपने फेस को जूम करना है और जो आपके होंठ हैं उन पर कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने होंठों पर। और गाइस जैसे इस पर अप्लाई करोगे तो यार आपके फ़ोटो पर एक अच्छा लुक आ जाएगा, बहुत ही प्यारा एक लुक आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी की तरह बहुत ही स्लो मोशन में आपको अप्लाई कर लेना है बहुत ही प्यार से, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेना है और गाइस फिर आपको लेयर पर क्लिक करना है और जो आपने एक लेयर बनाया है उस पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद जो है यहाँ पर आपको एक लाइन मिलेगी ये वाली, तो इसको आपको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, जितना आप रखना चाहते हैं इतना यहाँ पर रख लीजिए। तो यहाँ पर जो है मैं इतना रख लेता हूँ। तो गाइस इतना आपको कर लेना है और गाइस फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक शेयर वाला ऑप्शन मिलेगा, तो शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना है। तो गाइस हमारा जो फोटो है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। तो गाइस यहाँ पर जो है आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और मिक्स टूल पर क्लिक करके ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो है सैचुरेशन को डिक्रीज करके -23 कर देना है और ल्यूमिनस को डिक्रीज करके +28 कर देना है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आपका फेस यहाँ पर कुछ इस तरीके का हो जाएगा वाइट कलर में। तो फिर आपको यहाँ पर रेड कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सैचुरेशन को डिक्रीज करके -50 कर देना है और ल्यूमिनस को डिक्रीज करके +25 कर देना है। फिर आपको येलो कलर को सिलेक्ट करना है और सैचुरेशन को -100 कर देना है और फिर आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर भी आपको सैचुरेशन को डिक्रीज करके -100 कर देना है। और गाइस फिर आपको यहाँ से डन के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसे डन कर देना है। तो गाइस यहाँ पर जो है हमारा फोटो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कितना ऑसम लग रहा है, कितना खतरनाक लग रहा है। तो गाइस अब हम अपने फेस को स्मूथ करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे शेयर कर लेना है स्केच बुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो जान हमारा फोटो आ चुका है स्केच बुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है जो मैं ब्रश यूज करूँ आपको उसी ब्रश को सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो स्क्रीनशॉट मार लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ब्रश को सिलेक्ट करना है
और सेटिंग्स पर क्लिक करके आपको यहाँ पर देख लीजिए इतना ही सेटिंग रख लेना है, ठीक है। तो गाइस आपको फिर क्या करना है, अपने फेस को जूम करना है और जहाँ पर भी ब्लैक आ रहा है मतलब पूरे फेस को स्मूथ करना है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है थोड़ा मैं साइज को बढ़ा लेता हूँ, तो साइज को अपने हिसाब से यहाँ पर रख लेना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही उत्तम तरीके से, बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर आपका फेस स्मूथ होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना खतरनाक हो रहा है हमारा जो फेस है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आपको बहुत ही आराम आराम से करना है, बहुत ही स्लो मौसम में, ठीक है ना गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं कितना उत्तम तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कितना खतरनाक तरीके से स्मूथ हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लैक है वो भी यहाँ पर नहीं रह रहा है, ठीक है। अगर आपको इसे ख़त्म करना है तो यहाँ पर साइज को थोड़ा सा कम कर लेना है और कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है ना, बहुत ही प्यार से अप्लाई करना है, बहुत ही स्लो मौसम में गाइस। तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मैं आपको बहुत ही खतरनाक तरीके से फेस स्मूथ करना सिखाता हूँ। तो गाइस वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कितने उत्तम तरीके से हमारा जो फेस स्मूथ हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरीके से फेस को स्मूथ कर लेना।